वेलकम टू न्यूज बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 2018 वाले कैंडिडेट के लिए। जहाँ दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उन सबका जो है 100% कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होने वाला है। जहाँ दोस्तों नई कट ऑफ के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार मेरी वीडियो को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट रिलेटेड पीडीएफ और नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं उन सभी 2018 वाले कैंडिडेट के लिए जो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बताने वाला हूँ कि खुशखबरी क्यों है, क्यों सभी 100% सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है और किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। जानिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। जहाँ दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नई कट ऑफ के बारे में। जहाँ दोस्तों 40,000 और अभ्यर्थियों को सिपाही भर्ती में मिलेगा मौका। जहाँ दोस्तों आज शाम या शुक्रवार सुबह तक जारी होगी नई कट ऑफ। जहाँ दोस्तों आज शाम को रात में जिस तरह पहले रात में भी कट ऑफ आई थी, इसी तरह आज रात को भी कट ऑफ आने के चांसेस है या फिर कल शुक्रवार को जो है आपकी नई कट ऑफ जारी हो जाएगी। उसके बारे में हम नीचे बात करते हैं कि सिविल पुलिस वह पीएससी के कांस्टेबल 41,520 पदों पर सीधी भर्ती के लिए करीब 40,000 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से गुरुवार को देर शाम या शुक्रवार की सुबह तक नई कट ऑफ जारी की जाएगी। 50% महिलाएं अभ्यर्थी और अभ्यर्थी जाँच और शारीरिक मानक में फेल। जहाँ दोस्तों 50% पूरी जो 50% महिलाएं हैं वो शारीरिक मानक परीक्षा और आपकी पैट यानी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल रही है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सारी भर्ती होगी लेट। अब जो है 49,568 पदों पर नई भर्ती समेत जेल वार्डन, घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन की भर्ती लेट होगी क्योंकि 63,000 के बाद फिर से 40,000 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा में समय लगेगा। पहले इन भर्तियों का रिजल्ट नए साल तक जारी करने की तैयारी थी और सिपाहियों की नई भर्ती की लिखित परीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में कराई जानी थी, लेकिन अब उसके टलकर जनवरी के अंत तक जाने की आशंका है। जेल वार्डर, घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन की भी भर्ती टलेगी। जहां तो यानी कि इनकी भर्ती लेट होने वाली है क्योंकि अब जो 40,000 नए कैंडिडेट आने वाले हैं, अब मैं बताने जाना हूँ कि उनका जो है 100% सिलेक्शन क्यों होने वाला है। प्लीज वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। जहाँ दोस्तों एक हमारे पास नई विज्ञप्ति है, सूचना आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के निर्देशानुसार भर्ती दौड़ प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित की गई जाती है। जहाँ दोस्तों यानी जो भर्ती की दौड़ पेट आपका चल रहा था, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट आपका जो चल रहा था, वो आपका जो है अग्रिम आदेशों तक यानी नई डेट आने के लिए आने तक का आपका जो है स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, रीजन क्या है इसका, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगले आदेश तक रोक की गई पुलिस भर्ती परीक्षा। जहां दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बुधवार को प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा का काम छोड़कर आईटीबीपी की भर्ती कराने के लिए चली गई है। इसके चलते अगले आदेश तक पुलिस भर्ती रोक दी गई है। अब आईटीबीपी की भर्ती के बाद ही यह परीक्षा होगी। प्रदेश में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ही पुलिस भर्ती परीक्षा करा रही थी। टीसीएस ने 10 दिसंबर तक का समय लिया था। 15 दिसंबर से आईटीबीपी में भर्ती परीक्षा होनी है, यह भर्ती भी टीसीएस को करानी है। बुधवार को पुलिस भर्ती कराने के बाद टीसीएस के लोग पीएससी व पुलिस लाइन से सामान पैक करके आईटीबीपी परीक्षा के लिए चले गए। इसके चलते पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने आरक्षी व पीएससी के पदों पर चल रही भर्ती में होने वाली दौड़ प्रक्रिया को अग्रिम आदेश रोक दिया है। जहाँ दोस्तों कहने की बात है कि जो आपकी टीसीएस कंपनी जो इसको करा रही थी भर्ती को, दौड़ आपकी वगैरह करा रही थी, वो आपकी टल गई है। अब 15 दिसंबर के बाद आपकी जो है 15 दिसंबर तक आपकी जो है आईटीबी की भर्ती परीक्षा इनको करानी है। उसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको 17 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। 17 दिसंबर से आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको जो है स्टार्ट होने वाला है। यानी आपको कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया पैट का, उस वजह से नहीं आया है, टीसीएस जो है ये काम छोड़ करके आईटीबीपी की भर्ती कराने चली गई है, तो 17 दिसंबर से आपके जो है फिर से पैट के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें आपको कुछ समय का टाइम मिल जाएगा, 4-5 दिन का आपका टाइम मिलने वाला है। इसमें आप थोड़ा अपना जो है अपने आप को सिक्योर कर सकते हो और इससे जो है सभी कैंडिडेट इसमें जो है अपना जो है सिक्योर करके अपना जो है इस भर्ती में जो है दौड़ कर सकते हो और अपना जो है फ्यूचर बना सकते हो। अब बात करते हैं जिसमें कि कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल रहे थे, अब उनके लिए भी आपको जो है छूट दे दी। एससी एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं।
जहाँ दोस्तों हम एससी और एसटी कैंडिडेट के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र के लिए जो है फिर मौका मिल गया है उनको। जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 में परीक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की तारीख को लेकर दिक्कतें सामने आई है, इसके दृष्टिगत भर्ती बोर्ड ने इस समस्या को समाधान के लिए अभ्यर्थी को एक और मौका देने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी को वर्ष 2018 का जाति अथवा निवास प्रमाण पत्र में एक बोर्ड के समकक्ष प्रस्तुत करने के लिए 13 दिसंबर तक का जो है समय दिया गया है। जहां दोस्तों यानी 13 दिसंबर तक का आपको इसमें भी आपको समय मिल गया है। आप जो है 13 दिसंबर तक अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा करके या फिर जो है इशू करवा करके या अपना जो है घर पर रह गया हो किसी को वो ला करके 13 दिसंबर तक भर्ती बोर्ड को जमा कर सकता है। उसके बाद अगर आप 13 दिसंबर के बाद भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि अब रीजन क्या हो गया है, टीसीएस जो कंपनी है इस टीसीएस कंपनी को सभी जो है टीसीएस कंपनी ही इस चीज को करा रही थी, वही जो है इस भर्ती को छोड़कर के आईटीपी भर्ती को कराने चली गई है। तो आप जो है इसको 17 तक भी जमा करा सकते हैं। जहां दोस्तों अगर आपको 13 तक आपको इश्यू हो जाता है तो आप 13 तक जमा करा दे, वरना फिर आप 17 तक भी इसको जमा करा सकते हैं, क्योंकि टीसीएस अभी काम छोड़कर चली गई है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। वो 17 जो आपसे 17 से आपका फिर कंटिन्यू आपका पैट होगा, तो आप 17 तक इसको जमा करा सकते हैं। जहां दोस्तों इसमें भी आपको लोगों कैंडिडेट को चांस मिल गया है, बहुत से कैंडिडेट एस सी एस टी के कैंडिडेट इतने हैं कि उनको भी इसके लिए जो है चांस मिल गया है। तो मैंने बोला है कि अब जो है सभी कैंडिडेट को जो है इसमें मौका मिलने वाला है। और नई कट ऑफ की बात करते हैं तो 40,000 कैंडिडेट भी अब नई कट ऑफ में जो है शामिल होने वाले हैं। जहां दोस्तों उनको भी अब जो है इस भर्ती पूरी भर्ती प्रक्रिया का पता चल गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट कहाँ निकल रहे हैं। स्टार्टिंग में उनको भी थोड़ा बहुत पता चल गया था और उनको फिजिकल के लिए भी वो थोड़ा रेडी हो गए हैं। तो अब मैं कहना ये चाहता हूँ जितने भी 40,000 कैंडिडेट आएंगे उनमें से कम ही कैंडिडेट निकलने वाले हैं, सबका जो है सिलेक्शन होने वाला है। बट आपका जो है फाइनल मेरिट जब आपकी तैयार होगी उसमें भले ही सभी कैंडिडेट मोस्टली कैंडिडेट तो निकलेंगे ही, जितनी भर्ती है उतनी ही भर्ती के कैंडिडेट लिए जाएंगे, लेकिन आपका जो है पेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्टली कैंडिडेट करने वाले हैं, क्योंकि वो सभी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं। जब स्टार्टिंग में भर्ती प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं तो उसमें जो है बहुत सी दिक्कतें आती है, अब वो दिक्कतें दूर हो चुकी है। तो आप जो है जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनका वो बोल रहे हैं कि सर मेरा पैट का एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो इसी वजह से नहीं आया, जो है टीसीएस जो है भर्ती को छोड़कर चली गई है, आईटीपी भर्ती कराने के बाद ही आप लोगों का पैट का भी एडमिट कार्ड आएगा। और नई भर्ती कट ऑफ जो है आपकी आज शाम तक रात तक या फिर कल सुबह तक आपकी जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता ही है। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता है कोई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।